नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, जगुआर और लेपर्ड में क्या अंतर होता है। आप सबकी रिक्वेस्ट आई है कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूं, ताकि जो जगुआर और लेपर्ड में जो डिफरेंस है वो आप इजिली आप समझ सकें। जगुआर और लेपर्ड दोनों को आप जंगल में कभी भी एक साथ नहीं देख सकते हैं, बल्कि कैप्टिविटी के अंदर आप यदि बचपन से दोनों को एक साथ पालोगे तो ये इजिली जो है आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जंगल में ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। सबसे पहले हम जो डिफरेंस करते हैं रंग के आधार पर, जगुआर और लेपर्ड। जगुआर के अंदर देखेंगे जो बॉडी का पैटर्न होता है, या आप कह सकते हैं कलर मार्किंग हम जिसको बोल सकते हैं, जगुआर के शरीर पर जो पैटर्न नजर आता है उसको रोजर्ट पैटर्न कहते हैं। रोजर्ट पैटर्न में क्या होता है, जो ब्लैक कलर के धब्बे होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। ये जो है इस तरह का पैटर्न आपको जगुआर के अंदर देखने को मिलेगा। आप पीछे फोटो में देख सकते हैं कि आपको रोजर्ट पैटर्न यानी जो ब्लैक कलर की जो आप कह सकते हैं मार्किंग है पैटर्न के अंदर आपको इजिली अलग से नजर आ रहे हैं। जबकि लेपर्ड के केस में मार्किंग तो इस तरह की होती है, लेकिन जो ब्लैक कलर कह सकते हैं जो अंदर पैटर्न होता है वो नहीं होता है बीच के अंदर। लेपर्ड के केस में जो रोजेट पैटर्न होता है वो प्लेन होता है, यानी उसमें किसी भी कलर प्रकार की कोई ब्लैक मार्किंग जो है मिड में नहीं होती है। इस तरह से हम जो पैटर्न के आधार पर जगुआर और लेपर्ड में जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बॉडी साइज के आधार पर आप कैसे कह सकते हो कि सामने जो आपके है वो जगुआर है या लेपर्ड है। जगुआर की जो बॉडी होती है शॉर्ट होती है, छोटी होती है, कॉम्पैक्ट होती है और गठीला बदन होता है, और जगुआर कह सकते हो मस्कुलर साइज होता है, यानी थोड़ा मोटा सा होता है। जब भी आप जगुआर को देखेंगे हमेशा काफी बल्की होगा, यानी वेट में काफी ज्यादा होगा। टेल का साइज जो होता है जगुआर का काफी छोटा होता है। अब आती है बात लेपर्ड के केस में। लेपर्ड्स जो है थोड़े स्लिम ट्रिम होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। लेपर्ड्स की जो टेल होती है काफी लंबी होती है, क्योंकि लेपर्ड्स जो है अपनी टेल का प्रयोग ऊपर पेड़ों में चढ़ने में इनकी जो है काफी मदद करती है, या पेड़ों के ऊपर चढ़ने के बाद जो है टेल जो है लेपर्ड के केस में उसके बैलेंसिंग का काम करती है। यानी पेड़ में जब काफी ऊपर चढ़ जाते हैं वहां पे जो अपनी टेल के सहारे वो पेड़ पे इजिली टिके रहते हैं। बिग कैट फैमिली में जो जगुआर है वो थर्ड नंबर पर आता है, जबकि जो लेपर्ड है वो फोर्थ नंबर पर आता है। यानी साइज के हिसाब से जो है उनको नंबरिंग की गई है। जगुआर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी जगुआर कहां पर पाए जाते हैं, जगुआर जो मोस्टली है अमेरिका, अर्जेंटीना या सेंट्रल अमेरिका के अंदर जो पाए जाते हैं, जबकि जो लेपर्ड है चाइना, इंडिया से लेकर जो है अफ्रीका तक फैले हुए हैं। यानी एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये जानवर जो है कहां कहां पर पाए जाते हैं। लेपर्ड के केस में जो फीमेल होती है 20 से 60 केजी 60 किलो के बीच में होती है, जो मेल होता है 40 से 80 केजी के बीच में होता है। यानी वेट में दोनों में काफी डिफरेंस होता है, और वेट कम होने की वजह से ही जो है लेपर्ड जो है आपका पेड़ पे इजिली चढ़ जाता है, या ये आप कह सकते हो कि लेपर्ड्स को पेड़ों पर रहना ज्यादा पसंद है। उसकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि लेपर्ड्स के दुश्मन जो है बहुत ज्यादा है। वो अपने शिकार को बचाने के लिए, यानी जब भी कोई शिकार करता है तो उसको दूसरे जानवरों से बचाने के लिए अपने शिकार को सीधा लेकर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वहां पर जो उसका शिकार है काफी सुरक्षित रहता है, उसको कई दिनों तक वहां रहता है, उसको खाता रहता है। जगुआर के क्योंकि दुश्मन काफी कम होते हैं उसको, और जो क्योंकि आप जो जगुआर में कह सकते हो कि उसका जो हेड है उसकी ग्रिपिंग पावर इतनी स्ट्रांग है पूरे वर्ल्ड के अंदर मैमल्स में सभी में, आप ये कह सकते हो उसका जो जबड़े के अंदर जो ग्रिपिंग पावर है 2000 पाउंड के करीब है, यानी नंबर वन आप कह सकते हो। यानी जगुआर जो है अपनी एक ग्रिप से के द्वारा किसी भी जानवर के सिर के दो टुकड़े एक साथ कर सकता है, उसके अंदर इतनी पावर है। जगुआर जो है पेड़ों पर चढ़ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ही मजबूरी में जब कई बार कोई जानवर के पीछे पड़ जाता है या मनुष्य से अपने आप को बचाने के लिए मजबूरी के अंदर जो जगुआर जो है पेड़ों पर चढ़ जाता है। जगुआर जो है ज्यादातर पानी बहुत ज्यादा पसंद करता है, ये पानी में रहना पसंद करते हैं। ये ज्यादातर आप देखेंगे नदी के किनारे उस एरिया में रहना पसंद कर सकते हैं, यानी कि टेरिटरी कह सकते हो नदी की लंबाई, जहां जहां नदी जाती है उस एरिया में प्रेफर रहना पसंद कर सकते हैं। जगुआर जो है पानी इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि जगुआर जो अकेले है क्रोकोडाइल का भी शिकार कर लेते हैं। लेपर्ड जो है जबकि घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं,
और लैपर्ड जो है अपना शिकार करने के बाद उसको पेड़ों के ऊपर ले जाकर के रख देते हैं, सुरक्षित रखते हैं ताकि कोई दूसरा जानवर उसको ना खा सके। जैगवर अपने शिकार को कैसे मारते हैं, लैपर्ड अपने शिकार को कैसे मारते हैं। लैपर्ड की केस में आपने देखा होगा, लैपर्ड जब भी अपने किसी शिकार की तरफ झपटता है उसका सीधे गर्दन पे वार करता है, उसकी जो सांस की नली होती है उसको कस के पकड़ लेता है, जब तक जानवर का दम ना घुट जाए लैपर्ड उसको छोड़ता नहीं। जबकि जैगवार के केस में जैगवार इतना स्ट्रांग होता है, जैगवार एक ही झपट्टे में अपने शिकार के सिर के दो टुकड़े कर देता है या एक ही झटके में जो है उसकी स्पाइनल कोड के दो टुकड़े कर देता है, इस प्रकार जो है वो अपने शिकार करता है। आप देख सकते हो कि जैगवार की जो पावर है, ग्रिपिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि जैगवार और लैपर्ड में क्या डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।